अगर बात करें राम सेतु फिल्म की, तो इसकी स्टोरी तो ट्रेलर में ही पता चल गई थी कि इस फिल्म में राम सेतु को तोड़ने की बात की जा रही है, ताकि जितने भी शिप हैं वो श्रीलंका से नीचे से ना होकर बीच में से चले जाए और फ्यूल भी बचे। और इसी केस को प्रूव करने के लिए हाई कोर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपीडिशन होती है राम सेतु पर। तो जान लेते हैं मूवी के प्लस और माइनस पॉइंट। तो मूवी का प्लस पॉइंट है सत्यदेव का कैरेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छा है, बल्कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर भी इनके सामने फीका लगने लगता है। और मूवी में कोई गाने नहीं है, जिस वजह से आप स्टोरी से कनेक्ट रहोगे। और मूवी प्रिडिक्टेबल होने के बाद भी जिस तरह से मूवी में फैक्ट्स और रामायण में से नाम लिया गया है, वो देखकर इतना अच्छा लगता है कि फिर भी आप आगे के लिए एक्साइटेड रहोगे। लेकिन वही बात की जाए माइनस पॉइंट की, तो वह है इसका CGI और दबा के यूज़ किया गया ग्रीन स्क्रीन, जो कि मूवी में साफ दिख जाता है। सेकेंड है फीमेल एक्टर्स, जिन्हें जबरदस्ती का डाला गया है, और स्पेशली जैकलिन फर्नांडिस का कैरेक्टर तो इरिटेटिंग लगता है।